हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अमित रंजन सिंह है और मैं आप सभी लोगों का एग्जैक्ट आईएएस के चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप सभी लोगों को पहले से भी पता है कि हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस स्टार्ट किए हैं, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2014 से लेके 2024 तक में यूपीएससी के प्री में जो क्वेश्चंस आया है उसका एनालिसिस स्टार्ट किए हैं। और ये एनालिसिस जो है अभी सब्जेक्ट वाइज होगा, जिसमें कि हम लोग कई वीडियोस रिलीज करने वाले हैं। और ये अभी हम लोग फिलहाल ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग ज्योग्राफी का 2014 का क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। और अभी के जो टॉपिक है, अभी का जो वीडियो है, ये 2015 के क्वेश्चन को लेके है। तो कि ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो प्री में ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आ चुका है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 2015 के क्वेश्चन को। तो हम लोग ये बात पहले भी आपको बता दिए हैं कि हम लोग जो ये लाए हैं, ये वीडियो लाने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपको बहुत बढ़िया से समझना होगा यूपीएससी का क्वेश्चंस कहाँ से आता है, और यूपीएससी के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए या उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको किन किन तरह के बुक को पढ़ना चाहिए, किन किन तरह के मटेरियल्स को पढ़ना चाहिए। बिकॉज मटेरियल का सिलेक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आखिर ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये तो एक महासागर है, आप कहीं भी खो सकते हैं। जब तक आपको ये आइडिया नहीं हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो क्वेश्चंस का एनालिसिस आपके लिए काफी जरूरी है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अगर आपको सही से कमांड है, सही से पकड़ है, तो आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि आखिर किन तरह की चीजों से, किन तरह के बुक्स से, किन तरह के मटेरियल से या किन तरह के टॉपिक से यूपीएससी का क्वेश्चन अक्सर आता है। और यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम लोगों को किस तरह से सोचना चाहिए, हम लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए हम आपको ये बोले थे कि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। ये सिर्फ हम आंसर नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने वक्त अगर आपकी जानकारी कम है, तो कम जानकारी के माध्यम से भी आप कैसे क्वेश्चन को डिकोड कर लीजिएगा, आंसर को डिकोड कर लीजिएगा, आंसर को निकाल लीजिएगा। क्योंकि एमसीक्यू का नियम ही है कि आपको आपका ब्रेन अप्लाई करना होगा, और आप क्वेश्चंस को आंसर को डिकोड करना सीखिए, क्वेश्चन को आप पता लगा लीजिए क्वेश्चन को पढ़ के कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये वाला जो वीडियो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है ज्योग्राफी 2015 का, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको पूछा गया है, इसमें पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन ए इज सीरिया, ऑप्शन बी इज जॉर्डन, ऑप्शन बी इज लेबनान एंड ऑप्शन डी इज इजराइल। देखिए आपसे पूछता है कि साउथ वेस्ट एशिया का ये चार में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर नहीं लगाता है, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शंस आपको दिया गया है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन के जरा चीजों को जानते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है इसका अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करना शुरू करिएगा, तो एनालिसिस के दौरान आपको ये जानना होगा कि ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपको हम सीधी सीधे जरा से जानते हैं, ये क्वेश्चन मैपिंग से आया है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ये हम आपको पुराने वीडियो में भी बताए हैं। इससे जो लास्ट वीडियो हम आपको बताए थे, उस वीडियो में ये चीज हम आपको समझाए थे कि सर्टेन रीजन है जहां का मैपिंग आपको बढ़िया से करके आना, क्योंकि उस रीजन से बार बार क्वेश्चन आता है, उस रीजन के मैपिंग से बार बार क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर आप रीजन की बात करिएगा तो मेडिटेरेनियन सी का जितना भी रीजन है, ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के सारे रीजन का आपको मैपिंग बढ़िया से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको साउथ चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी है, इंडोनेशिया वगैरह का एरिया है जिसको ईस्ट इंडीज कहते हैं, इंडोनेशिया, उसके अलावा जो जापान है, ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, ये सब वो एरिया है। आपको मैप पे इस सब एरिया को बढ़िया से देख लेना, बिकॉज ये सब एरिया हमेशा न्यूज में रहता है। चूंकि ये एरिया हमेशा न्यूज में रहता है, तो इस एरिया का किसी भी कंट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है मैपिंग में। मैपिंग मतलब कि ये पूछ देगा कि कौन सा कंट्री इसमें किस चीज से बॉर्डर लगाता है, कौन सा दो कंट्री आपस में बॉर्डर लगा रहा है, इस तरह का। तो आपको पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन सी रीजन का, साउथ चाइना सी वगैरह का एरिया जो है, इंडोनेशिया का जो एरिया है जिसको ईस्ट इंडीज भी कहते हैं, है ना, जापान वाला एरिया जो है, ये सब तरह के एरिया का मैपिंग आपको बहुत बढ़िया से करके रखना। साथ ही साथ मैपिंग के दौरान आपको ये भी जान
जानना है, ये सब ट्रेडिशनल है। अक्सर देखिएगा मेडिटेरियन सी से आपको क्वेश्चन आते रहता है, कई बार लास्ट वीडियो में भी मेडिटेरियन सी से क्वेश्चन आया था, इसके अलावा इंडोनेशिया से बार बार वीडियो में मैपिंग से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो ये सब एरिया से बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये कन्वेंशनल पार्ट है। अगर आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इन सब तरह की चीजों का मैपिंग में जरूर तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो आते हैं इसका आंसर क्या है, आंसर की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा ये जो एरिया है ये आपको मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में आप देखिए कौन कौन ऐसा कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर लगा रहा है, तो ये इजराइल है, इजराइल तो काफी फेमस है ऑलरेडी ये सब एरिया में, इसीलिए आपको पूछा जाता है, इजराइल वगैरह हमेशा न्यूज में रहता है, हमेशा इजराइल वगैरह का जो पार्ट है ये विवादास्पद रहता है, इजराइल जॉर्डन लेबनान सीरिया ये सब आपस में लड़ते रहता है, ईरान वगैरह है ना। तो आप देख रहे हैं कि इजराइल जो है ये अपना बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से लगा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इजराइल मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर लगा रहा है तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ये बॉर्डर लगा रहा है, ठीक। आपसे पूछता है कि कौन बॉर्डर नहीं लगाता है, ठीक। दूसरा कंट्री है लेबनान, तो लेबनान का भी अगर मैप पे देखिएगा तो ये लेबनान है और लेबनान भी आपको मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगाता है। तीसरा कंट्री है सीरिया, तो आप मैप में देख रहे हैं कि सीरिया भी जो है ये मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इजराइल लेबनान और सीरिया तीनों मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर लगा रहा है, लेकिन जॉर्डन नहीं लगा रहा है। जॉर्डन कहाँ है, यहाँ पे। जॉर्डन के मैप को अगर देखिएगा तो जॉर्डन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से चला और ये आपको जॉर्डन हो गया, ठीक है। तो जॉर्डन कहीं भी मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। इस नियम से जो करेक्ट आंसर होगा वो जॉर्डन होगा, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग साउथ वेस्ट एशियन कंट्री, साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट, ओपन आउट मतलब अपना बॉर्डर किस से नहीं लगा रहा है टू मेडिटेरेनियन सी, तो सीरिया तो लगा रहा है, जॉर्डन केवल ऐसा है जो नहीं लगा रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। तो वन का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको बी होगा, क्योंकि देख चुके हैं मैप में कि सीरिया लेबनान और इजराइल तीनों जो है वो आपको मेडिटेरेनियन सी से यानी कि भूमध्य सागर से अपना बॉर्डर लगा रहा है, शेयर कर रहा है। तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए ये मैपिंग से क्वेश्चन आया है और ये कन्वेंशनल मैपिंग है, कन्वेंशनल मैपिंग मतलब हर एक साल मैपिंग से जो क्वेश्चन आता है वो इस रीजन से पूछा जाता है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के सारे कंट्री को ठीक से देख लिया कीजिए, साउथ चाइना सी वगैरह एरिया जो है वहां के कंट्रीज को ठीक से देख लिया कीजिए, इंडोनेशिया यानी ईस्ट इंडीज के कंट्रीज को ठीक से देख लिया कीजिए, वहां के सी वगैरह को, जापान का देख लीजिए। इसके अलावा हम आपको पिछले वीडियो में भी बोले थे कि मैपिंग से आने वाला क्वेश्चन में रीजन इन न्यूज भी देखा करिए, ठीक है। रीजन इन न्यूज मतलब कि पिछले एक साल में कौन कौन ऐसा रीजन है जो न्यूज में रहा है, जैसे अभी आपको पता है पिछले 2 साल से आपको यूक्रेन रसिया का रीजन जो है ये काफी न्यूज में रहा है, नाटो कंट्रीज वगैरह काफी न्यूज में रहा है, इसके अलावा अभी हाल ही में इजराइल वगैरह जो है और ईरान वगैरह जो है इसका कंफ्लिक्ट शुरू हो गया है, तो इजराइल ईरान वगैरह का जो एरिया है फिर से न्यूज में आ गया है। तो आपको जो जो भी पेपर में करंट अफेयर्स में पढ़ने के दौरान जो जो रीजन आपको लगता है कि पिछले एक साल में न्यूज में रहा है उस रीजन को आप एटलस पे ठीक से मैपिंग कर लीजिए, उस रीजन में कंट्रीज कौन कौन है, सी कौन कौन है, कौन कंट्री किस मेजर सी से अपना बॉर्डर लगा रहा है, और आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बन जाएगा। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ईच डे, ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट आपको दिया है, आपको बोलता है ये स्टेटमेंट वो दे दिया है और आपको बोलता है आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किस प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन के लिए सुटेबल है। स्टेटमेंट क्या है हम लोग जान लें, स्टेटमेंट बोलता है ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विथ अ सी ब्रिज, एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड फॉर्म, देन रेन कम्स विथ थंडर एंड लाइटनिंग but rain is soon over, which of the following reason is described in the above passages। आपको ये बता रहा है कि स्टेटमेंट दे रहा है कि हर एक दिन लगभग एक ही जैसा होता है, मॉर्निंग जो होता है वो काफी क्लियर होता है और काफी साफ होता है मतलब ब्राइट सनलाइट होता है, सी ब्रिज वगैरह चलते रहता है,
लेकिन जैसे जैसे मॉर्निंग से दोपहर होता है, यानी कि एज द सन क्लाइम्स हाई, यानी कि जैसे जैसे मॉर्निंग से मिड डे की ओर हम लोग चलते हैं, मिड डे की ओर चलते 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 जैसे जैसे दोपहर होते जाता है, हीट माउंट्स अप, यानी गर्मी बढ़ती है, डार्क क्लाउड फॉर्म्स, घना बादल लग जाता है, रेन कम्स, आज बारिश आ जाती है, और ये जो बारिश होती है वो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ होती है, और लेकिन कुछ ही समय के बाद बारिश फिर से खत्म हो जाती है। आपको बताना है कि किस रीजन का एरिया है, किस रीजन का ये फीचर है। क्या ये सवाना टाइप के रीजन का फीचर है, या ये इक्वेटोरियल रीजन का फीचर है, या मानसून रीजन का फीचर है, या मेडिटेरेनियन रीजन का फीचर है। देखिए ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है, इसके अगर हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट पे चलते हैं, तो एनालिसिस में हम इस चीज को जानेंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, सोर्स की बात अगर करेंगे तो इस क्वेश्चन का सोर्स है 11th एनसीईआरटी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का जो क्लाइमेटिक रीजन है वहां से ये आया है। एनसीईआरटी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना आपका, 11th का वर्ल्ड का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के ले लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन के कैटेगरी को देखे जाएंगे तो क्वेश्चन आपको ईजी आएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ा है, जिसको भी क्लाइमेटिक रीजंस वगैरह का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ये क्वेश्चन तुरंत बना देगा, उसको ज्यादा सोचने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि इसका जो एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर आपको बी है। ठीक, अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि बी कैसा है। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, उस तरह के रीजन में क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर इस तरह के क्लाइमेट की बात करिएगा, तो आपको सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर दें कि अगर हम लोग इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं, तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ मिलता है। अगर ये बात करते हैं, हमारा अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से 5 to 10 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ, 5 to 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ये 5 से 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच, और इक्वेटर से 5 to 10 डिग्री, 5 to 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। इक्वेटर से आप 5 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास नॉर्थ जाइए, और इक्वेटर से 5 और 10 डिग्री के आसपास आप साउथ जाइए। इस रीजन में मोस्टली जो डोमिनेटेड क्लाइमेटिक होता है वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या नेचर होता है, आप सभी लोगों को पता है कि इक्वेटोरियल रीजन में सन का रे जो है ये वर्टिकल पड़ता है। इक्वेटोरियल रीजन में सन का रे लगभग थोड़े वर्टिकल पड़ता है, और चूंकि यहाँ पे सन का रे वर्टिकल पड़ता है, और हमेशा ऑलमोस्ट हर एक समय एक ही जैसा सन का रे पड़ते रहता है वर्टिकल, या उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जिसके कारण आपको हर एक दिन जो ये ईच डे जो लगेगा वो एक ही जैसा लगेगा। ठीक, साथ ही साथ जैसे जैसे यहाँ पे बट इक्वेटोरियल रीजन का एक तो यहाँ पे इंसोलेशन क्या होता है, सन्स रे आर ऑलमोस्ट वर्टिकल विथ स्लाइट चेंज, थोड़ा सा चेंज होते रहता है। जब सन का रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाता है, तो लगभग 20 के आसपास इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन लगभग 70 से लेके आपको 70 से लेके 90 के बीच ही इसका सन का रे इस एंगल, इस इक्वेटोरियल रीजन पे पड़ते रहता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, जिसके कारण यहाँ पे हीटिंग अधिक होता है। सन का रे अधिक वर्टिकल होने के कारण हीटिंग यहाँ पे बढ़ जाता है। साथ ही साथ इक्वेटोरियल रीजन का दूसरा फीचर देखिएगा कि इक्वेटोरियल रीजन पे बहुत अधिक समुद्र रहता है, ओशन यहाँ पे काफी अधिक है, तो मोस्टली डोमिनेटेड बाय ओशन, मोस्टली डोमिनेटेड बाय ओशन या सी। ठीक है, ये रीजन ओशन और सी के द्वारा डोमिनेटेड होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे प्रत्येक दिन यहाँ पे क्या होगा कि सन का रे चूंकि वर्टिकल पड़ा, चूंकि सन का रे वर्टिकल पड़ा, तो यहाँ पे हीटिंग बढ़ गया, और हीटिंग बढ़ने के कारण क्या होता है कि अब इस रीजन में ओशन बहुत अधिक है, समुद्र बहुत अधिक है, तो इवेपरेशन होगा काफी अधिक मात्रा में। तो जैसे इवेपरेशन होगा, तो वह जैसे दोपहर होगा, जैसे कि यानी कि मॉर्निंग से जैसे आप मिड डे की ओर मूव करिएगा, तो दोपहर होते होते यहाँ का एयर वार्म हो जाता है। तो जब यहाँ का एयर वार्म हो जाता है, तो चूंकि ये एयर में वाटर वेपर भी काफी अधिक हो जाता है, बिकॉज इस रीजन में सी का जो एरिया है वो काफी अधिक है, दिस रीजन इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय सी, तो ये जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर है
ये वार्म और मॉइस्ट एयर हर एक दिन जब सूर्य की किरणें सन का रे सुबह सुबह मॉर्निंग में वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल होने के बाद हीटिंग बढ़ता है और दोपहर होते होते वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऊपर उठता है। जब ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद ये एडियाबेटिक प्रोसेस से कूल होता है और कूलिंग के बाद ये डार्क क्लाउड में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, ऊपर उठने के बाद ये वार्म और मॉइस्ट एयर जो है ये डार्क क्लाउड में कन्वर्ट कर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, और दोपहर होते होते तक आसमान में घना बादल छा जाएगा और 2 बजे के बाद अचानक से यहां पे तेज बारिश होनी शुरू हो जाएगी, जो 2 घंटा का एक हैवी रेन होगा। क्योंकि ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है, आप सभी लोग अपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का रेन कराता है, शॉर्ट ड्यूरेशन रेन विथ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का नेचर होता है कि अचानक से इसमें काफी तेज बारिश होगी और इसमें काफी बिजली चमकेगी, लाइटनिंग काफी अधिक होगा, बादल काफी गरजेगा, थंडर स्टॉर्म होगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये बारिश शांत हो जाता है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन रेन होता है, बट ये हैवी रेन कराता है। हैवी रेन मतलब बहुत तेज और अधिक बारिश होती है। तो इक्वेटोरियल रीजन का ये नेचर है कि हर एक दिन वहां सूर्य की किरणें जो है सन का रे जो है वर्टिकल पड़ेगा, वर्टिकल रे पड़ने के कारण वार्म और मॉइस्ट एयर दोपहर होते होते तक ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद ये घना क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है और घना क्लाउड में कन्वर्ट होने के बाद वो हैवी रेन करा देगा। 2 से 3 घंटा का ये बारिश होगा, फिर से उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 घंटा के बारिश के बाद आसमान फिर से पहले जैसा साफ हो जाएगा और फिर पहले जैसा वेदर हो जाएगा। अगले दिन ये सेम प्रोसेस रिपीट हो जाता है। आप ऑलमोस्ट हर एक दिन इसमें दोपहर को वर्षा देखिएगा, इसीलिए इसको मिड डे रेन या 2 PM रेन भी कहा जाता है, 2 PM रेन भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर दोपहर को बारिश होता है। साल में अगर 365 दिन है तो लगभग 265 दिन से लेके 265 डेज से लेके 285 डेज तक इस तरह का रेन ऑलमोस्ट डेली होता है। ठीक है, लगभग 285 डेज तक ऑलमोस्ट डेली होता है, हर एक दिन दोपहर को आप इस तरह का वहां पे वेदर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस सब दिन रिपीट करेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यही कहता है कि ईच डे इज मोर और लेस सेम, हर एक दिन एक ही जैसा होता है। द मॉर्निंग इज क्लियर, सुबह सुबह क्लियर रहता है क्योंकि आसमान में कोई क्लाउड नहीं रहता है। द सन एज द सन क्लाइम्स हाई, जैसे जैसे सन ऊपर उठता है और जैसे सन ऊपर उठने का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे दोपहर होता है गर्मी बढ़ती है, हीट माउंट्स अप, और उसके बाद क्या होगा, वार्म और मॉइस्ट एयर ऊपर उठेगा तो डार्क क्लाउड फॉर्म करेगा, रेन स्टार्ट हो जाएगा थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ, बट रेन इज सून ओवर, जल्दी ये रेन खत्म हो जाता है। तो सीधी बात है, ये किस एरिया का चर्चा कर रहा है, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट की चर्चा कर रहा है। तो आंसर जो होगा वो आपको बी होगा। हम क्यों कह रहे हैं ये क्वेश्चन आसान है, कि कोई भी व्यक्ति जो बेसिक क्लाइमेट जानता है, फंडामेंटल क्लाइमेटोलॉजी पे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक NCERT पे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आसानी से ये स्टेटमेंट पढ़ के डिफाइन कर देगा कि ये किस रीजन की बात हो रही है, ये किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको हम ये को पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह का क्वेश्चंस हर एक साल आ रहा है। 2014 में आप देखे थे कि मानसून वाले क्लाइमेट से पूछ दिया था, 2014 में मानसून से पूछा है, 2015 में आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट से पूछ दिया है। तो क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में आपको डेफिनेशन अच्छा से होना चाहिए, बेसिक क्लाइमेटोलॉजी भी अगर आप पढ़े हैं, बेसिक रीजन क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में भी आप जानते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर दीजिएगा। इसके अलावा और भी कई क्लाइमेटिक रीजन है, जैसे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ मिलता है ये भी अगर आप जानने की कोशिश करिएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें समय ले रहे हैं आपका, चूंकि और थोड़ा सा डिफाइन कर दें, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है, इक्वेटर से आप चलिए 5 to 10 degree नॉर्थ, और इक्वेटर से आप 5 to 10 degree साउथ चलिए। आप देखिए इस रीजन में मोस्टली ओशन डोमिनेटेड है, यहाँ पे काफी ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है मोस्टली। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ेगा तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर तो ऊपर उठेगा ही और दोपहर को बारिश होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 से 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच चलिएगा, 5 से 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में और इधर 5 से 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में, इस रीजन में जो आपको क्लाइमेट मिलता है इसको कहा जाता है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट।
ठीक है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या नेचर होता है कि इस तरह के क्लाइमेट में जब आप जाइएगा सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, तो यहां पे आपको डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट सीजन मिलता है। ठीक है, यानी कि एक बार जब यहां पे गर्मी होती है तो आपको बारिश बढ़ जाएगी, जब ठंड होती है तो बारिश कम हो जाती है। ठीक है, यहां पे क्लाइमेट का आप सबसे बड़ा रीजन देखिएगा कि यहां पे आपको टॉल ग्रासेस मिलेगा, टॉल ग्रासेस। ठीक है, यहां बहुत ऊंचा ऊंचा ग्रास मिलेगा, ग्रास का हाइट 6 फीट तक हो सकता है, और इस रीजन में आपको एनिमल्स बहुत ज्यादा मिलता है, एनिमल बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक होता है, इसीलिए सवाना रीजन को बोला जाता है जू ऑफ द वर्ल्ड। सवाना रीजन को जू ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है या बिग हंटिंग गेम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ यहाँ पे शिकार बहुत ज्यादा होता है, जू ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट एक अलग टाइप का क्लाइमेट है जिसमें ग्रास सब मिलता है, पहले 6 फीट से लेके और टॉल ग्रासेस मिलेगा, यहाँ वहां कहीं कहीं ट्री वगैरह मिलेगा। तो आप देखिएगा कि आगे का क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें पता चलता है कि हम लोग इक्विटोरियल एक बार पूछ लिया, इस बार 2014 में मानसून पूछा है, आगे देखिएगा कि आगे की ईयर में आपको सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट फिर से पूछा है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी पूछता है। मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो क्लाइमेट होता है उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं, जिसको प्लीजेंट वेदर के लिए जाना जाता है, यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है। और मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये मानसून जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का एक स्पेशल फीचर है जिसमें विंड का सीजनल रिवर्सल होता है ना। तो क्लाइमेटिक रीजन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिक एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हैं, और एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पूछ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का क्लियर हुआ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द साउथ अटलांटिक, थोड़ा सा स्पेशल, इन द साउथ अटलांटिक एंड द साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लेटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। आपको पूछा जाता है कि साउथ अटलांटिक में और साउथ ईस्ट पैसिफिक एरिया में आपको साइक्लोन क्यों नहीं बनता है, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया है सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक एंड एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स। ठीक है, आपको बोलना है कि पहले साउथ जो ट्रॉपिकल लेटिट्यूड वाला एरिया है, मतलब पहले याद रखिए इसमें क्लियर कर दिया है, ट्रॉपिकल लेटिट्यूड में आपको देखना है कौन सा एरिया, साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक एरिया, जहां पे आपको पता करना है कि ट्रॉपिकल एरिया में जो साउथ अटलांटिक है और साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन है वहां पे साइक्लोन क्यों नहीं बनता है। ठीक है, क्या कारण है, क्या सी सरफेस टेम्परेचर बहुत लो होने के कारण नहीं बनता है, या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको आईटीसीजेड कहते हैं, क्या ये सेल्डम वहां पे बनता है, यानी कि शायद वहां पे कभी नहीं बन पाता है, आईटीसीजेड का लोकेशन वहां नहीं होता है, शायद ही कभी होता है, क्या वहां पे कॉरियोलिस फोर्स जो है वो काफी कमजोर है इसके कारण नहीं बनता है, क्या या वहां पे लैंड मास की कमी होने के कारण जो है वहां पे साइक्लोन नहीं बन पाए। तो क्या ऐसा कारण है कि साउथ अटलांटिक रीजन में या साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो ट्रॉपिकल लेटिट्यूड का एरिया है उसमें साइक्लोन नहीं बन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिकोड करें, इस क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें, एनालिसिस में डालेंगे, तो एनालिसिस में डालने का इसका पहला है इसका सोर्स हम पता कर दें, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है एनसीईआरटी अगेन। ठीक है, बट डायरेक्ट एनसीईआरटी यहां पे नहीं आया है, एनसीईआरटी इनडायरेक्टली आया है। मतलब कि अगर आपका बेसिक एनसीईआरटी से ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस माइंड को, अगर उस तरह के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपने अप्लाई करिएगा इस क्वेश्चन में तो आपको ये बन जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं आया, केवल आपको अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी में जो पढ़े हैं उसको इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अप्लाई करना है, आपका ये आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि इस क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इस क्वेश्चन का लेवल होगा मॉडरेट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि इजी तो ये नहीं है
ठीक है, बट डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करिएगा क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, तो आपका ये आसानी से बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, जरा ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी लोगों को पहले पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहा है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन ट्रॉपिकल साइक्लोन के ओरिजिन का कंडीशंस क्या है, क्या सब कंडीशंस होगा कि किसी भी रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहला कंडीशन जो होता है वो होता है वार्म सी सरफेस, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपका सी सरफेस टेम्परेचर अधिक नहीं है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है, SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है या उससे ऊपर होता है, तभी जाके आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कर सकता है। क्योंकि ये साइक्लोन का जो एनर्जी होता है, दिस साइक्लोन रिसीव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम, ये साइक्लोन अपना एनर्जी कहाँ से लेता है, ये साइक्लोन अपना एनर्जी लेता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से। दिस साइक्लोन रिसीव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन करने के लिए आपको चाहिए वाटर वेपर, और वाटर वेपर आपको ह्यूज अमाउंट में कौन दे सकता है, केवल ओशन, वो भी तब जब ओशन का सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री के बराबर हो या उससे अधिक हो, तभी जाके आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिलेगा। ये मॉइस्चर को कंडेंस करने के बाद आप हीट एनर्जी को डिराइव करिएगा, जिस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं, और इसी लेटेंट हीट के हेल्प से ट्रॉपिकल साइक्लोन सर्वाइव करता है। तो सीधी सी बात है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के सर्वाइवल के लिए सबसे पहला कंडीशन जो बनता है वो है वार्म सी सरफेस, और वो ट्रॉपिकल रीजन में होगा, है ना। दूसरा कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनने का होता है कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस इफेक्ट। देखिए कॉरियोलिस इफेक्ट क्या है, सभी लोगों, आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ पे चलने वाला विंड, अर्थ पे चलने वाली ओसिनिक करंट पे एक इफेक्ट जनरेट होता है, जिस इफेक्ट को हम लोग कॉरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, और इस इफेक्ट के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंड राइट की ओर टर्न करता है, सॉदर्न हेमिस्फीयर पे विंड लेफ्ट की ओर टर्न करता है, और ये इफेक्ट आपको इक्वेटर के पास जीरो होता है, इक्वेटर के आसपास ये काफी वीक होता है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से आप ऊपर उठिएगा इसका इफेक्ट आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कारण जो होता है, चूंकि कॉरियोलिस इफेक्ट आपको इसीलिए चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, साइक्लोन जो है इट इज अ सर्कुलर मूवमेंट, इट इज अ रोटेटरी मूवमेंट ऑफ एयर, यहाँ पे एक लो प्रेशर होता है और पेरीफेरी पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, जिसमें आइसोबार्स वगैरह क्लोज्ड होता है, और विंड जो है ये पेरीफेरी से सेंटर की ओर चलता है, चूंकि विंड पेरिफेरी से सेंटर की ओर चलता है तो कॉरियोलिस इफेक्ट की कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये राइट की ओर टर्न करता है इस तरह से, और अगर यही साइक्लोन आपको सॉदर्न हेमिस्फीयर पे जनरेट कर गया है तो ये लेफ्ट की ओर टर्न करेगा। ये जो इसका टर्निंग होता है, इस तरह से मूवमेंट होता है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये ऐसे मूव करने लगा, ठीक है, और इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंड ऐसे नहीं आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसे ये विंड स्ट्रेट नहीं जाएगा, कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण ये राइट घूमेगा और सॉदर्न हेमिस्फीयर पे लेफ्ट घूमेगा, तो राइट घूमने के कारण इस तरह से घूमने लगता है, आपको साइक्लोन में सर्कुलेशन होने लगता है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, एंड क्लॉकवाइज सर्कुलेशन शुरू हो जाता है सॉदर्न हेमिस्फीयर पे। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में विंड को आपको टर्न करना होगा, विंड को मोड़ना होगा, और विंड के टर्निंग के लिए जो इफेक्ट पैदा करेगा वो कौन करेगा, कॉरियोलिस फोर्स। तो इसीलिए कॉरियोलिस इफेक्ट का होना साइक्लोन में काफी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो कोई भी तरह का साइक्लोन जनरेट नहीं कर सकता है, बिकॉज कॉरियोलिस इफेक्ट इक्वेटर पे जीरो होता है, यही रीजन है कि इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोन नहीं आता है। आप पढ़े होंगे कि 0 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर आपको जो है डोल्ड्रम क्षेत्र कहलाता है, ये डोल्ड्रम रीजन कहलाता है, यानी कि ये कोल्ड शांत एरिया है, कूल काम एरिया है, जहां पे कि साइक्लोन वगैरह नहीं बन पाता है। तीसरा है आपको प्रेजेंस ऑफ एटीसीजेड, या आप यूं कह सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग ITCZ, ITCZ वहां से पहले स्थिर होना चाहिए। ITCZ क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो ट्रेड विंड आपस में आके कन्वर्ज कर जाता है। ITCZ एक लो प्रेशर एरिया है,
लो प्रेशर एरिया है वेयर टू ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, जहां पे कि दो ट्रेड विंड कन्वर्ज करता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग आईटीसीजेड का होना जरूरी है, बिकॉज आईटीसीजेड ऑलरेडी उस एरिया पे लो प्रेशर बना देता है, और चूंकि वहां पे लो प्रेशर बना देता है तो वहां पे विंड कन्वर्ज करने लगता है, और विंड के कन्वर्जेंस अगर आपको ओशन के ऊपर होने लगा तो ये ओशन मॉइस्चर के हेल्प से कन्वर्ज जो लो प्रेशर सेंटर है वो स्ट्रांग होने लगता है। तो प्री एग्जिस्टिंग आईटीसीजेड ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने का एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है आपको एब्सेंस ऑफ वर्टिकल विंड शेयर, पांचवा होगा आपको अपर एटमॉस्फेरिक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अपर एटमॉस्फेयर में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए, वर्टिकल विंड शियर नहीं होना चाहिए, यानी कि विंड जो का जो वर्टिकली उठने का स्पीड है और डायरेक्शन है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जानना हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का ये पांच कारण है। अब आपको ये डिटेक्ट करना है कि भाई ट्रॉपिकल रीजन में साउथ अटलांटिक ओशन जो है या साउथ ईस्ट पैसिफिक जो है इसमें साइक्लोन क्यों नहीं आता है, इसमें से कौन सा ऐसा पांच रीजन है जो वहां पे फुलफिल नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वार्म सी सरफेस, क्या वहां पे कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है। तो इस तरह के मैप पे हम लोग चलते हैं। ये जो रीजन है ये आपको इक्वेटर है, पहले मैं इक्वेटर आप लोगों को दिखा दे कहां पे है। ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑब्वियस बात है कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये ट्रॉपिकल सी है। अब आपको जानना है कि ये ट्रॉपिकल सी साउथ अटलांटिक ओशन जो है ये ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन क्यों नहीं बनता है। तो इस रीजन में आपको सी सरफेस टेम्परेचर अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक करंट चलता है जिसको कहते हैं ईस्ट ब्राजीलियन करंट, ठीक है। तो ईस्ट ब्राजीलियन करंट यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा के रखता है, बट यहाँ ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा सी सरफेस टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज करेगा। तो इक्वेटर के इस रीजन में यहाँ पे जब आप साउथ अटलांटिक ओशन के इस सब रीजन की बात करिएगा तो सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा सा तो डिक्रीज करता है, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं करता है कि साइक्लोन को एग्जिस्ट नहीं करने दे, ठीक है। इसीलिए आप ये मानते हैं कि अगर यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर काफी लो है जिसके कारण कि आपको साइक्लोन नहीं बनता है तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर ऑब्वियस बात है थोड़ा घटता है, क्यों घटता है, बिकॉज इस रीजन में आपको बेंगवेला कोल्ड करंट है, बट इतना नीचे नहीं जाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म नहीं करने दे, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा रीजन जो है ये आप जानिए, इस रीजन में आप सेकेंड चीज देखिए, ये आपको ट्रॉपिकल रीजन है, ये है आपको ट्रॉपिकल रीजन का साउथ अटलांटिक, ये है साउथ ईस्ट अटलांटिक, ठीक है। ये दोनों ये साउथ अटलांटिक है और ये साउथ ईस्ट पैसिफिक है। इस दोनों रीजन में आप एक चीज देखिए कि इस मैप से पता चलता है कि ये वाला जो हम खींच रहे हैं ना ये आपको आईटीसीजेड है, ठीक है। ये आईटीसीजेड कब का है, ये जनवरी का आईटीसीजेड है। जनवरी मतलब कि जब आपको सॉदर्न हेमिस्फेयर पे समर हो जाता है, जब जनवरी आएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे तो विंटर होगा और सॉदर्न हेमिस्फेयर पे समर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आईटीसीजेड जनवरी का दिखा रहा है तो इसका अर्थ है कि ये सॉदर्न हेमिस्फीयर पे इस समय समर सीजन होगा, और समर सीजन होगा तो आईटीसीजेड जो है ये समर सीजन में आप साइथी देखते हैं कि यहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। क्योंकि आईटीसीजेड का लोकेशन यहाँ नहीं हो रहा है किसी भी समय, इस रीजन पे आईटीसीजेड कभी भी लोकेट नहीं कर रहा है, तो आपको इससे आसानी से पता चल जाता होगा कि जो साउथ अटलांटिक ओशन का रीजन है या साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन है यहाँ पे आईटीसीजेड सेल्डम लोकेट करता है, यानी कि शायद ही कभी लोकेट करता है। और चूंकि इस रीजन में आपको आईटीसीजेड लोकेट नहीं करता है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इस रीजन में आपको आईटीसीजेड के लोकेशन नहीं होने के कारण आप देखिएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाया, ठीक है। चूंकि अगर आप इस रीजन में चले आते हैं तो यहाँ कॉरियोलिस इफेक्ट भी आपको मिलेगा, सी सरफेस टेम्परेचर भी लगभग ठीक ही है,
ठीक है, लेकिन आपको इसी रीजन में जो आपको प्रॉब्लम होता है वो ITCZ के लोकेशन नहीं होने के कारण आपको साइक्लोन नहीं बनता है। यहाँ पे दोनों इफेक्ट है, एक तो यहाँ पे आपको ITCZ का भी लोकेशन नहीं है, दूसरा यहाँ सी सरफेस टेम्परेचर भी कम होता है बिकॉज यहाँ पे आपको जो करंट चलता है वो हम्बोल्ट कोल्ड करंट चलता है, तो हम्बोल्ट जो है ये कोल्ड करंट, तो इस रीजन में एक तो सी सरफेस टेम्परेचर कम होता है, दूसरा ITCZ का लोकेशन कम नहीं हो पाता है, दोनों रीजन के कारण साइक्लोन नहीं बनता है। लेकिन यहाँ की बात अगर करिएगा तो इस रीजन में सी सरफेस टेम्परेचर अच्छा होता है लेकिन उसके बाद भी साइक्लोन नहीं बन पाता है, उसका रीजन है कि ITCZ लोकेट नहीं हो पाता है। तो दोनों के लिए जो कॉमन करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि ITCZ सेल्डम इस रीजन में कभी लोकेट करता है बिकॉज कोरियोलिस इफेक्ट तो यहाँ पे है। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से जाके पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सी सरफेस टेम्परेचर आर टू लो, नहीं बहुत लो नहीं है, आर लो लो तो होता है लेकिन इतना लो नहीं होता है साइक्लोन नहीं बनने देगा, इसीलिए ऑप्शन ए को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। हाँ, ITCZ कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स, ये हम लोग डिराइव किए, किसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा क्योंकि उस रीजन में ITCZ लोकेट नहीं करता है, इसीलिए वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको नहीं बनता है। कॉरियोलिस फोर्स इज टू वीक, ऐसा बात नहीं है, उस रीजन में कॉरियोलिस फोर्स इज नॉट टू वीक, कॉरियोलिस फोर्स वहां पे अच्छा इफेक्ट में रहता है, साइक्लोन को ला सकता है। ठीक है, एन एबसेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, ये भी एक रीजन हो सकता है बट चारों में सबसे सुटेबल बी है। क्यों? क्योंकि अगर उस रीजन में लैंड की कमी होता है तो वहां पे हीटिंग भी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और हीटिंग कम होने के कारण सी सरफेस टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, बट जो करेक्ट आंसर है इसमें चारों में सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो आपको बी है। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों फॉर्म करता है, आप अगर ये जानते हैं और उस रीजन के बारे में आपको ठीक से नॉलेज है तो आप बढ़िया से निकाल सकते हैं आंसर इसका कैसे होगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का कितना कारण है और जिस रीजन के बारे में ये पूछ रहा है उस रीजन में ITCZ का क्या लोकेशन होता है, उस रीजन में सी सरफेस टेम्परेचर वगैरह कितना होता है। अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी से ये सारे चीजों को कोरिलेट करके आंसर आप डिराइव कर सकते हैं। और ये सब चीज कैसे पता चलेगा आपको, बस फंडामेंटल एनसीईआरटी, एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीटली पढ़े हैं तो ओसिनोग्राफी से आपको पता चल जाएगा कि किस रीजन में कोल्ड ओसिनिक करंट है, किस रीजन में वार्म ओसिनिक करंट है। जहां पे कोल्ड ओसिनिक करंट डोमिनेट करेगा ऑटोमेटिकली हम अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर लो होगा इसलिए साइक्लोन नहीं बनना चाहिए। अगर आप क्लाइमेटोलॉजी में मैप को ठीक से देखें, एनसीईआरटी में उस ITCZ वगैरह का लोकेशन को ठीक से देखते हैं कि समर सीजन में ITCZ कहाँ लोकेट करता है, विंटर सीजन में कहाँ लोकेट करता है, सी के ऊपर कितना नॉर्थ जाएगा कितना साउथ जाएगा, लैंड के ऊपर कितना नॉर्थ साउथ जाएगा, तो आप आसानी से इसका आंसर इस सभी चीजों को आपस में जोड़ के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट, सम बॉडी के लिए कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन का जो सोर्स है ये एनसीईआरटी है बट इनडायरेक्टली, यानी एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ चीज को इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, और ये हम आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट। ठीक है, इसमें पूछता है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करेंट, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। ठीक है, ये क्वेश्चंस को अगर हम लोग एनालिसिस में डालते हैं, ठीक है, तो एनालिसिस में हम सबसे पहले ये डालेंगे, ये कहां से आया, ये अगेन आया है एनसीईआरटी से, यानी कि अगर इसका सोर्स पूछा जाए तो सोर्स है एनसीईआरटी, कौन सा बुक, 11th क्लास का जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी जो है, इसमें जो चैप्टर ओसिनिक करंट, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। ठीक है, तो अगर आप 11th क्लास के फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी को ठीक से पढ़े हुए हैं, उसका ओसिनिक करंट वाला चैप्टर ठीक से पढ़े हैं, तो आपको डायरेक्टली वहां से ये क्वेश्चन आया है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। और क्वेश्चन का जो लेवल है, अगर इसके लेवल की पूछा जाए तो ये लेवल इसका इजी है। क्या देख रहे हैं आप, यूपीएससी की तैयारी के दौरान अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो या तो इजी है या मॉडरेट है, शायद ही डिफिकल्ट आ रहा है ना। हम लोग इसको डिफिकल्ट बनाए हैं अपने ब्रेन में, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ते कम हैं, सोर्सों को समझते चीजों को कम है कि कहाँ पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए, और एक तरह से चीजों को पहले ही माइंड सेट कर लिए हैं कि यूपीएससी इतना डिफिकल्ट है शायद नहीं निकलेगा, डिफिकल्ट है ये एग्जाम,
नो डाउट इसमें कहने वाली बात नहीं है, बट अगर आप इसको एक बार डिकोड कर लीजिएगा तो आपका पढ़ाई को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, और डायरेक्शन मिलने के बाद ये एग्जाम आप हो सकता है कि निकाल लें, बिकॉज कंपिटिटर काफी अधिक होता है, तो अधिक कंपिटिटर होने के कारण ये एग्जाम डिफिकल्ट हो जाता है, ना कि क्वेश्चंस को पूछने का क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन इसका बहुत ही लॉजिकल होता है, ये बहुत ही आउट ऑफ फ्रेम क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ही सिस्टमेटिक क्वेश्चन पूछता है, वो जीएस बोला है तो जीएस ही पूछेगा, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने की उसमें जरूरत नहीं है। और अगर आपका एनसीईआरटी है उसका बेसिक बुक तो एकदम सही बात है, आपको एनसीईआरटी कमांड करके रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहता है कि ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट का रीजन क्या है? द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, अक्रेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। ठीक है, तो इसको समझते हैं जरा। ये इक्वेटर है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस रीजन में आपको एक विंड चलते रहता है जिसको ट्रेड विंड कहते हैं, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो की ओर चलता है, यहां भी ट्रेड विंड चलता है, यहां भी ट्रेड विंड चलता है, ठीक है। ठीक है, यहां जो ट्रेड विंड चलता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, यहां जो ट्रेड विंड चलता है इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड। ठीक है, आप सभी लोग उसी ने करंट में पढ़े होंगे कि ट्रेड विंड के कारण या विंड के कारण जो होता है सी सरफेस के वाटर, सर सी का जो वाटर होता है वो विंड के कारण एक फ्रिक्शनल ड्रैग एक्सपीरियंस करता है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण विंड जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स, और ये विंड जो है वो सी के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करता है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण सी वाटर डैक मूव करना शुरू करता है, जिसको ओसिनिक करंट कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा जेनरेटिंग फोर्स है जो ओसिनिक करंट को डेवलप करता है। तो ट्रेड विंड के कारण क्या करता है कि इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है, लगभग इक्वेटर से 20 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक जो वाटर होता है ये मूव करने लगता है वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर, यहां से यहां तक, ठीक है, और इसका नाम होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट। ठीक, इसी तरह से जो सॉदर्न हेमिस्फेयर पे ट्रेड विंड चलता है तो ट्रेड विंड के इफेक्ट के कारण सी सरफेस ओशियन वाटर जो है ये फिर से ईस्ट की ओर से वेस्ट की ओर, यानी कि अफ्रीका से साउथ अमेरिका की ओर मूव करना शुरू करता है, और इसका नाम होता है साउथ इक्वेटोरियल करेंट। ये सब आप लोग एनसीईआरटी में बेसिकली पढ़े होंगे, चूंकि नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट इधर से इधर चलता है और ये सारे वाटर को ले जाके इस एरिया में जमा कर देता है, और इधर चूंकि साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर से इधर चलता है और ये भी सारे वाटर को जमा कर देता है इस रीजन में, तो क्या देखते हैं कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के कारण और साउथ इक्वेटोरियल करंट के कारण ये पार्ट में, यानी कि ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है यहां पे वाटर लेवल बढ़ जाता है, वाटर लेवल इज हाई, चूंकि यहां पे वाटर लेवल बढ़ता है तो बहुत सारा वाटर के यहाँ पे जमा होने के कारण क्या होता है कि इस रीजन में यहाँ पे दोनों करंट के बीच, यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच एक वाटर का कुछ पार्ट जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है, वाटर का कुछ पार्ट जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है, और ये जो फ्लो करता है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर करता है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करना चाहती है, यानी कि ईस्टवर्ड फ्लो होने लगता है। तो ईस्टवर्ड फ्लो और जो ये दोनों ओशनिक करंट के बीच हो रहा है इसका नाम होता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। दिस इज नोन एज काउंटर इक्वेटोरियल करंट, है ना। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्यों जनरेट किया? क्योंकि ट्रेड विंड के कारण एक ओशनिक करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये चला आपको ईस्ट से वेस्ट की ओर, और साउथ इक्वेटोरियल करंट भी ईस्ट से वेस्ट की ओर चला। दोनों वाटर करंट क्या किया कि अफ्रीका अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट पे वाटर को पाइल्ड अप कर दिया, जमा कर दिया। चूंकि यहाँ वाटर का पाइलिंग हो गया, वाटर बढ़ गया, तो अब से एक नेचुरल स्लोप हो गया इधर से इधर की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो दोनों ओशनिक करंट के बीच जो क्या होता है कि एक ओशनिक वो कुछ वाटर जो है ये ईस्ट की ओर चलना शुरू कर देता है, ईस्टवर्ड फ्लो शुरू हो जाता है वाटर का। तो क्या रीजन होगा? बोलता है व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, नो कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करेंट, यस
अभी हम लोग पढ़े थे कि दो इक्वेटोरियल करंट जो है यहाँ पे जाके कन्वर्ज किया, और दो इक्वेटोरियल करंट के कन्वर्ज करने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे विंड चलना शुरू हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे वाटर मूव करना शुरू कर दिया। तो सीधी सी बात है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट का बर्थ हुआ, चूंकि दो इक्वेटोरियल करंट कन्वर्ज किया उसके कारण वाटर पाइल्ड अप हुआ और कुछ वाटर जो है रिवर्स फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर जो करेक्ट होगा 4 का वो आपको बी होगा। ठीक है, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर ये ओशनिक करंट को डेवलप जरूर करता है, लेकिन ये क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में सही नहीं है। अक्रेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर ये भी ओशनिक करंट को जनरेट करता है, जो आप आईओडी वगैरह पढ़िएगा, इंडियन ओशन डायपोल वगैरह, वहां पे देखिएगा कि ये काम एक जो अक्रेंस है ये वेस्ट इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज को जन्म देता है, जिसके कारण आईओडी प्लस माइनस होता है। तो ये सब अलग है, बट यहाँ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में सबसे सुटेबल आंसर जो है ये आपको बी है। कैसे बनेगा ये, अगर आप मान लीजिए कि बेसिक एनसीईआरटी ठीक से पढ़े हुए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का ओशनिक करंट चैप्टर से ये डायरेक्टली उठा के ले लिया गया है, आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन का लेवल हम लोग इजी रखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर आप एनसीईआरटी में ओशनिक करंट चैप्टर ठीक से पढ़े हैं तो ये आसानी से बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि टाइड अकर्स इन द ओशन एंड सी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सी और ओशन में जो टाइड आता है ये किसके कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवेन बिलो। ओनली वन करेक्ट, टू एंड थ्री करेक्ट, वन एंड थ्री करेक्ट, वन टू एंड थ्री करेक्ट। यहाँ तो आंसर दिख ही रहा है आपको कि सबसे इसमें करेक्ट आंसर डी है, तीनों के कारण टाइड जनरेट करता है। ठीक है, तो आप पहले थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर ले कि ये कहां से आया है, फिर इसका आंसर निकालेंगे। एनालिसिस में अगर हम लोग इसका सोर्स को डिकोड करते हैं तो सोर्स डिकोड होता है एनसीईआरटी अगेन। फिर से आप एनसीईआरटी, बहुत ही फंडामेंटल, 7th 8th 9th का भी एनसीईआरटी अगर आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी वेरी बेसिक। ठीक है, 10th लेवल तक का भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से ये डायरेक्टली आया है। ठीक है, कोई भी बुक या बेसिक एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया गया है। सोर्स की बात करेंगे, क्वेश्चन का जो लेवल है ये वेरी इजी है, बहुत आसान है, ये तो डिफिकल्ट भी नहीं है, वेरी इजी में आ गया। 2015 का क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा सा आसान माना गया है, स्टूडेंट्स इसको काफी सॉल्व किया था। ठीक है, तो वेरी इजी क्यों, क्योंकि टाइड के बारे में तो एकदम, मतलब 9th 10th का भी एनसीईआरटी पढ़िएगा तो टाइड का ये तीन कॉज आपको दिखाएगा, टाइड है क्या। ठीक है, आपको हम बताते हैं कि टाइड क्या है, आप लोग तो वैसे जान ही रहे होंगे, चूंकि ये जो टॉपिक लोग कोई देख रहा है, हम मान लें ये स्टूडेंट के लिए हम लोग ये बनाए हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीरियस कैंडिडेट है, जो क्वेश्चंस को डिकोड करना चाहता है, जो बुक्स वगैरह पढ़ रहा है और एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपको भी आसानी से बन गया होगा कि टाइड एक्चुअली क्या है। इट इज द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। अर्थ पे जो मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसके कारण क्या होता है कि कभी सी वाटर लेवल जो है ये ऊपर उठता है और किसी एरिया में सी जो है ये रिट्रीट कर जाता है, यानी कि पीछे चला जाता है। तो जब सी वाटर लेवल ऊपर उठे तो उसको आप कहेंगे टाइड आएगा, जहां पे सी वाटर रिट्रीट करे वहां पे माना जाएगा एब आया, या सी वाटर अगर आपको ऊपर उठ गया तो वहां पे हाई टाइड आ गया, अगर सी वाटर रिट्रीट कर गया तो वहां पे लो टाइड आ गया। ठीक है, तो टाइड का जो मेन कारण है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग समझते हैं। इस रीजन पे हमारा अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर ये चारों ओर आपको सी वाटर है। ठीक है, तो यहां पे आपका मून है और ये आपका सन है, ये मून है। तो क्या होता है, यहां अगर मून है और सन है तो मून अर्थ पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगा रहा है, सन भी अर्थ पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगा रहा है, और सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आके जुड़ गया, जिसके कारण जो सी वाटर है ये इधर ऊपर की ओर उठ गया। तो सी वाटर ऊपर उठ गया तो यहाँ पे आ गया आपको टाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइड आ गया और ये एक्चुअली हाई टाइड, क्योंकि यहाँ का सारा वाटर इधर आ गया तो यहाँ पे वाटर रिट्रीट किया है।
वाटर रिट्रीट किया यानी कि सी लेवल पीछे गया, तो यहां पे लो टाइड आ गया और इसको हम लोग एफ बी कहते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि सन और मून के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण टाइड आया है, लेकिन भाई दूसरी ओर टाइड क्यों आ गया, इधर क्यों टाइड आया? क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यहां तो टाइड आया, ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन इस एरिया में टाइड क्यों आया? ठीक है, तो इस एरिया में टाइड आया है अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। अब अर्थ क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर अप्लाई किया, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है और अर्थ पे मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो अर्थ का रोटेशन डिस्टर्ब होने लगता है। जब अर्थ का रोटेशन डिस्टर्ब होने लगता है तो अर्थ अपने रोटेशन को बैलेंस करने के लिए जितना फोर्स मून लगा रहा है उसी इक्वल अपोजिट में एक फोर्स लगा देता है, ताकि मून की ओर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बैलेंस कर दे। ऑब्वियस बात है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया ये कौन लगाया? अर्थ लगाया। तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, और इसी तरह का चूंकि ये इक्वल फोर्स होता है तो अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहां भी टाइड आ गया। तो इस रीजन में भी हाई टाइड आ गया और यहाँ पे फिर से आपको एक लो टाइड आ गया, तो एक ही साथ दो जगह हाई टाइड और दो जगह लो टाइड जनरेट करता है। तो अगर ऑप्शंस को हम लोग करेक्टली देखे तो पूछता है कि टाइड अकर्स इन द ओशन एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन करेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून करेक्ट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ करेक्ट है, क्योंकि अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें अगर आप सेलेक्ट करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करिएगा तो आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 1 एंड 3, एंड 1, 2, 3 में सबसे करेक्ट आंसर डी है। क्यों? तीनों के कारण टाइड आता है। हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग क्लास नहीं ले रहे, केवल क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आप इस बात को जान जाइए कि इस क्वेश्चन के लेवल को अगर हम लोग फिर से उठा के लाते हैं तो ये क्वेश्चन का लेवल जो है ये काफी बेसिक से आया है, बेसिक एनसीईआरटी से ये पूछा गया है, इससे ज्यादा इसमें आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन द मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन एन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ पार्टिसिपेंट, या पार्टिसिपेंट्स मतलब मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है, ठीक है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में आपको पूछता है कि कितने कंट्रीज, कौन कौन कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट हैं? बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड। थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन क्या है, ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है? करंट अफेयर्स, जैसा कि आपको दिख रहा है करंट अफेयर्स में मेकोंग और गंगा कॉरपोरेशन के बारे में अक्सर न्यूज आते रहता है। तो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में कौन कौन कंट्रीज है अगर आपको ये पता है तो आसानी से क्वेश्चन बना दीजिएगा। क्वेश्चन का जो लेवल है ये मॉडरेट है। लेवल क्यों मॉडरेट है? क्योंकि सभी लोगों को याद नहीं रहता है कि मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में कौन कौन कंट्रीज है। पढ़ने के दौरान ये काफी सब्जेक्ट को, चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं तो आसानी से डिकोड नहीं कर पाइएगा, हो सकता है ये सब क्वेश्चन आप भूल जाइएगा। लेकिन करेक्ट आंसर जो है इसमें बांग्लादेश है और चाइना, यानी 1 एंड 3, ये दोनों जो है ये मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का पार्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी होगा, यानी मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में बांग्लादेश और चाइना पार्टिसिपेंट कंट्रीज नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान ले। देखो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन क्या है, इसके बारे में स्लाइड में हम लिख दिए हैं। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन इज एन इनिशिएटिव, इट इज एन इनिशिएटिव बाय 6 कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन इन टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इट वॉज लॉन्च इन 2000, ये 2000 में लॉन्च किया गया था विंटेन में, यानी कि लाओस का कैपिटल में। बोथ द गंगा एंड मेकोंग आर सिविलाइजेशन रिवर एंड मेकोंग गंगा कॉपरेशन इनिशिएटिव एम्स टू फैसिलिटेट क्लोजर कॉन्टैक्ट एमंग द पीपल इनहेबिटिंग दीज टू मेजर रिवर बेसिन्स। मेकोंग रीजन जो रिवर जो है ये आपको सिक्स बहुत सारे कंट्री सिक्स मेजर एशियन कंट्रीज से गुजरता है, जैसे कि आपको ये चाइना से तो गुजरता ही है, इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे।
लेकिन इसके अलावा कंबोडिया, लाओस, जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, जो उस सब एरिया से भी गुजरता है। तो मेकोंग और गंग एक अलग रिवर है और गंगा एक अलग रिवर है, ठीक है। तो इस रिवर के दोनों ओर जो लोग सब रहता है, इसके आसपास जो लोग सब रहता है, उसके उस लोगों के बीच एक क्लोजर कोऑपरेशन डेवलप करे, इसके लिए ये लाया गया था, ठीक है। इट इज एंड इट इज फिर इसके बारे में देख लो कि इसका जो मेंबर कंट्री है वो इंडिया एंड 5 आसियान कंट्रीज है। एक तो इंडिया ही है, एक तो सिक्स, तो इसमें टोटल 6 कंट्रीज है। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में टोटल 6 कंट्रीज है, एक तो इंडिया है, और उसके बाद आसियान कंट्रीज टोटल 10 है, उसमें 5 है इसका पार्ट, 5 इसमें भी है, जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। तो ये 5 एशियन कंट्रीज है, आसियान कंट्रीज है, और एक आपको इंडिया है। तो टोटल 6 कंट्रीज जो है ये मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में आता है। तो आप देख लीजिए इसमें कहीं भी चाइना और बांग्लादेश का नाम नहीं है, ठीक है। एक इंडिया और 6 आसियान कंट्रीज में आता है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक। तो चाइना और बांग्लादेश इसमें इसका पार्ट नहीं है। थोड़ा सा मेकोंग रिवर के बारे में हम लोग जान ले, ठीक है। मेकोंग रिवर के बारे में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम तिब्बतन प्लेटू चाइना, ठीक है। द रिवर ड्रेन्स इन टू साउथ चाइना सी। कंट्रीज जो है इसमें मेन मेन कंट्रीज से जहाँ गुजरता है, ये 6 एशियन कंट्रीज से गुजरता है। मेन मेन है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इट इज द सेकेंड मोस्ट बायोडाइवर्स रिवर। ये रिवर सेकेंड मोस्ट बायोडाइवर्सिटी के आधार पे वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा आपको जो है अमेजन है, उसके बाद मेकोंग ही है, ठीक है। और इसमें दो कैपिटल भी है, जिसमें कि एक वियतनाम है और जो है नोम फेन है, ये भी है कंबोडिया का कैपिटल। ये दो इस पे लोकेटेड है। तो इस स्लाइड में इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है, उस जानकारी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कौन कौन है। तो अगर आंसर पे फिर से जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो पूछता है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ पार्टिसिपेंट। तो इसमें बांग्लादेश और चाइना इसका पार्टिसिपेंट नहीं है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, करंट अफेयर्स से आया है, इसका लेवल जो है ये मॉडरेट है। अगर आप न्यूज़पेपर में ये सब तरह के कॉपरेशन के बारे में आप आसानी से पढ़ते रहते हैं, उसके कंट्रीज के बारे में देखते रहते हैं, तो ढंग से आपको यहाँ याद आ जाएगा और आसानी से आप इसको बना दीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग 1 घंटा में, हम चूंकि 6 क्वेश्चन को ही आज डिस्कस इसीलिए कर पाए हैं कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, उस पर थोड़ा सा बताते हैं कि ये कहाँ से आया है, किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे बनाने में। तो हम लोग आगे का एक वीडियो और एक जारी करेंगे इसमें, जो 2015 का रिमेनिंग क्वेश्चन को डील करेगा, ठीक है। अभी तक आप लोग ये यहीं तक रहिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो कल जारी हो जाएगा, जिसमें कि कुछ 2015 का आगे का हम लोग सारे सिस्टम को जनरेट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जेक टाइस देखने के लिए, और इस तरह की चीजों पे आने को एनालाइज करने में पार्टिसिपेंट बनने के लिए। फिर धन्यवाद आप लोगों का।